स्वर्गीय पिताजी, महान प्रेम के लिए, आपका महान कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद करता है। प्रभु परमेश्वर, आपने हमको ये महान मौका को दिया ताकि हम आपका चरणों में आके आपका ये महान सुसमाचार को हम सुन सके। मैं आपको हृदय से धन्यवाद करना चाहता है प्रभु, क्योंकि आप ही के अलावा हमको कोई भी नहीं है। आपने हमको वचन से बात करता है प्रभु। हम आज आप परमेश्वर, आज हम कोई मनुष्य का पीछे नहीं है, कोई मनुष्य को हम ऊंचा नहीं करता है प्रभु, हम आपको ऊंचा करता है, क्योंकि हमको आपने सब गलत शिक्षण से आपने हमको छुड़ा दिया। मैं आज धन्यवाद करता है, मैं हम लोग बहुत खुशी है प्रभु, हमारा हृदय का आनंद आप जानता है। धन्यवाद है प्रभु, सभी भाई लोग, सभी बहन लोग जो भी है बंधन के अंदर है, कोई व्यक्ति का साथ है प्रभु, आप उनको छुड़ाना ताकि ये महान बारिश के समय में, आत्मिक बारिश के लिए सभी लोग बालिक सके। आपको धन्यवाद है, आपने जबरदस्त नबी लोगों को भेजा, भाई ब्रानम, भाई रॉबर्ट ली लैम्बर्ट, आपको धन्यवाद करता है। सबसे बढ़िया बात है आप मसीह है प्रभु, आप मसीह सबसे बड़ा बात है प्रभु। धन्यवाद है प्रभु, आज का समय को भी आपके हाथ में सौंप देता है और आपका दास को भी आपके हाथ में सौंप देता है। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुना और कबूल करना, आमीन। जैसे आप लोग खड़े हैं बोलिए, सेंट जॉन, संत जॉन का जो किताब 29, सेंट जॉन 29 हम पढ़ेंगे। द नेक्स्ट डे जॉन seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. This is he of whom I said, After me cometh a man, which is preferred before me, for he was before me. And I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore am I come baptizing with water. And John have record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is the which is he which baptizeth with the Holy Ghost. And I saw and bear record that this is the Son of God. Parameshwar is vachan ko aashish kare, aap log baith sakte hain. Barabar dekhna, barabar baith sakte. Parameshwar ke naam ko dhanyawad hai. Hum log kafi aanand ko uthaya gaya Sunday ke samay mein, aur hum log sachmuch mein vachan ke liye hum bahut aanandit hai. हम वचन के लिए आनंदित है, हम वचन के साथ खड़ा रहना, हम वचन को देखना, हम मसीह को देखना, कोई मनुष्य को मत देखना, कोई सेवक को मत देखना, मगर हमारा फर्ज जो है, हमारा 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 विश्वास जो है वचन का ऊपर होना चाहिए। हम यहाँ पर मनुष्य को ऊंचा करने को खड़ा नहीं है, मनुष्य से कुछ भी नहीं है, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य केवल झूठ बोलता है, मगर प्रभु सच्चा बोलता है। सचमुच में मनुष्य का साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, इसका मतलब फेलोशिप नहीं करके नहीं, क्योंकि हम मनुष्य को देख, क्योंकि ये समय जो है मनुष्य को देखने वाला समय नहीं है, ये जो समय हम वचन के साथ चलने का, क्योंकि परमेश्वर वचन के साथ चलता है। यस, वचन के साथ प्रभु चलता है। अगर प्रभु वचन के साथ चलता है, प्रभु मनुष्य के साथ बिल्कुल नहीं चलता है। प्रभु वचन के साथ, कोई भी बोले प्रभु ब्रैनम के साथ, क्योंकि क्यों परमेश्वर ब्रैनम के साथ में था, क्यों परमेश्वर पौलुस के साथ में था, क्यों परमेश्वर पत्रुस के साथ में था, क्योंकि पत्रुस वचन के साथ में था, क्योंकि पौल वचन के साथ में था। ऐसे ही परमेश्वर भी वचन के साथ रहता है। यस, इसलिए हम वचन के साथ खड़े रहना और वचन का हम साक्षी बनना। आइए हम लोग वही मैसेज को कंटिन्यू करेंगे। यस,
इनवाइटिंग जीसस इनटू द शिप, प्रभु यीशु मसीह को नाव के अंदर आने के लिए आमंत्रण करना। वॉयस और सबटाइटल जो है फुल रेवलेशन, पूरा प्रकाशन, सबटाइटल जो है पूरा प्रकाशन है। वॉयस पूरा प्रकाशन। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। कितना लोग आज परमेश्वर को पहचाना नहीं, वॉयस पहचाना नहीं, लोग पहचाने में नाकामयाब हो गया। लोग पहचानते हैं भाई ब्रैनम को, खाली भाई ब्रैनम को पहचानता है। कैसे पहचानता है? भाई ब्रैनम एक नबी है, वॉयस मलाकी 4:5 नबी है, वॉयस एलाइजा बोलेगा, कोई कुछ लोग मूसा भी बोलता है, सब कुछ बोलता है, मगर परमेश्वर को पहचाने में बहुत बहुत कष्ट होता है। वॉयस मगर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। इधर भाई लैम्बर्ट बोलता है, दे डिडंट रिकॉग्नाइज हिज फॉर्म, उनका रूप को, उनका फॉर्म, क्योंकि परमेश्वर को एक फॉर्म है, फॉर्म बोलेगा तो एक रूप है। वॉयस हाउ मेनी से मैन, परमेश्वर एक रूप लेके आता है। कैन यू से मैन, परमेश्वर बिना रूप से नहीं, हालांकि वो स्पिरिट है, क्योंकि बाइबल कहता है गॉड इज ए स्पिरिट। वॉयस क्या है? गॉड इज ए स्पिरिट, परमेश्वर एक आत्मा है। वॉयस वो आत्मा है, प्रभु एक आत्मा है, मगर आत्मा बनते हुए मेरे पास और आपके पास वो संपर्क नहीं करता है, आत्मा का द्वारा संपर्क करेगा, मगर वो फॉर्म लेके, वो रूप लेके आता है। कैन यू से मैन, वो रूप लेके आता है। अभी जो हम पढ़ा हुआ मैसेज है, अभी हम पढ़ा हुआ वचन है, जॉन जी बैप्टिस्ट, उनको प्रभु बोलता है देखो किस मनुष्य के ऊपर आत्मा बैठता है, वही जो है पवित्रात्मा से बाप्तिस्मा करता है। प्रभु के नाम को धन्यवाद है। वॉयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। जॉन द बैप्टिस्ट पानी में खड़ा था, पानी में, मेरा प्यारा भाई बहनों, हमारा भी नबी भाई ब्रैनम पानी में खड़ा था। वॉयस इसलिए वो पानी में खड़ा होते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बाप्तिस्मा दे दिया। वॉयस हमारा बहुमूल्य नबी, बहुमूल्य भाई विलियम मरियन ब्रैनम पानी का बाप्तिस्मा दे रहा था, वो पानी का बाप्तिस्मा देने वाला नबी था। हाउ मेनी बिलीव दैट, कितना लोग विश्वास करता है भाई ब्रैनम पानी में बाप्तिस्मा देने वाला नबी था। वॉयस वॉयस इसलिए वो सही बाप्तिस्मा को हमको बता दिया। वॉयस क्योंकि परमेश्वर ने पानी में देने वाला बाप्तिस्मा को सही में बता दिया। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। वॉयस पिता पुत्र पवित्र आत्मा 2000 सालों में हम देखता है कि पहला चर्च जाने के बाद लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बाप्तिस्मा देता था, क्योंकि मनुष्य पुत्र का प्रकाशन खो गया। वॉयस मनुष्य पुत्र का प्रकाशन खोया वो लोग, कोने से पिता पुत्र का बाप्तिस्मा को, क्योंकि वो लोग को मालूम नहीं था रेवलेशन प्रकाशन निकल गया, वो लोग पिता पुत्र गलत बाप्तिस्मा को देने को शुरू किया। पिता पुत्र पवित्रात्मा का जो बाप्तिस्मा है गलत शिक्षण है, मगर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। आखिरी के वक्त में, आखिरी के समय में परमेश्वर ने भाई ब्रैनम को भेज दिया, जबरदस्त नबी को भेज दिया। वॉयस वो पानी का, पानी में खड़ा हुआ था, किधर खड़ा था? पानी में। जॉन द बैप्टिस्ट किधर खड़ा था? पानी में। वॉयस ये दोनों नबी भी एक ही जैसा है, जो काम जॉन द बैप्टिस्ट किया वही काम को भाई ब्रैनम भी किया। कैन यू से मैन? वॉयस और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पानी में खड़े होते हुए वॉयस आत्मा उतर गया। वॉयस आत्मा उतर गया, किधर उतरा? नेक्स्ट मिनिस्ट्री के ऊपर। वॉयस जॉन द बैप्टिस्ट का बाद में का सेवकाई के ऊपर उतरा, जॉन द बैप्टिस्ट का बाद में का सेवकाई। जॉन द बैप्टिस्ट निकल के जाने का समय आ गया, मगर उसका बाद परमेश्वर प्रभु ने स्वर्ग से एक कबूतर के रूप से, कबूतर बोलेगा तो कबूतर जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। वॉयस जो डव जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। वॉयस कबूतर के रूप से और बोला जिसका ऊपर ये उतरेगा वो कौन सा बाप्तिस्मा देगा? पवित्र आत्मा का बाप्तिस्मा देगा। इसका मतलब ये जो मिनिस्ट्री भाई ब्रैनम का, ये जो मिनिस्ट्री जॉन द बैप्टिस्ट का, सिर्फ पानी का बाप्तिस्मा देने वाला सेवकाई है। वॉयस कैन यू से मैन? मगर वो सेवकाई पानी का बाप्तिस्मा देते हुए भी टोकन आने का देखा, टोकन को देखा, भाई ब्रैनम भी टोकन को देखा, वॉयस जॉन द बैप्टिस्ट भी टोकन को देखा। कैन यू से मैन? हालेलुया। इसलिए वो नेक्स्ट मिनिस्ट्री है वॉयस जॉन द बैप्टिस्ट का बाद में का जो सेवकाई है। वॉयस कौन इनको इनकार कर सकता है? कौन बोलेगा विलियम ब्रैनम के
बाद कोई भी नबी नहीं है, क्योंकि वो लोग वचन के साथ चलता नहीं है, वो लोग वचन के साथ चलता नहीं है, वो लोग मनुष्य के साथ चलता है। इधर सुनिए, कोई भी इस समय पर, कोई भी इस समय में वचन के साथ नहीं चलता है, वो मनुष्य के साथ चलता है, मनुष्य को ऊंचा करता है। वो रैप्चर में नहीं जाएगा, वो ट्रिबुलेशन में जाएगा, वो मां संकष्ट के समय में गिरेगा। मैं वो नहीं बोलता है आप मेरे साथ चलो करके, आप मेरे साथ रहो करके, मैं नहीं बोलता है, क्योंकि अभी मेरे साथ रहने का समय नहीं है, मेरा पीछे आने का समय नहीं है। आप लोग वचन के पीछे जाओ। वैसे कौन सा भी सेवक अगर वचन को प्रचार नहीं करता है, कोई मनुष्य को ऊंचा उठाते प्रचार करता है, वो सेवक नहीं है, वैसे वो सर्वेंट ऑफ गॉड नहीं है, वैसे वो आपका आपका प्राण को नरक में लेके जाने के लिए वो सेवकाई करता है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। वैसे जबरदस्त रेवलेशन है, इसलिए मेरे प्यार भाई बहनों, ये सच बात है। इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट क्या डिक्लेयर किया, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड। वैसे उस समय में वो लैम्ब ऑफ गॉड मेमना का रूप में आ रहा था। वैसे बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड मेमना का रूप स्वरूप से आया और जॉन पहचान लिया, और जॉन क्या बोला उसको, देखो मेमना आ रहा है, परमेश्वर का मेमना आ रहा है, और उसी के ऊपर ये कबूतर को बैठे पवित्र आत्मा को आने का देखा वो, और एक स्टेटमेंट किया, क्योंकि वो मेमना होके आने का समय था उस समय, और क्या बोला वो, देखो मैंने तो पानी का बपतिस्मा देता है, बराबर विलियम ब्रैनम भी हमको पानी का बपतिस्मा दिया, और कौन सा भी बपतिस्मा नहीं दिया वो, पानी का बपतिस्मा, सही बपतिस्मा। वैस और जॉन द बैप्टिस्ट भी पानी का बपतिस्मा देने के समय में, वैस और दूसरा शब्द में भाई ब्रैनम भी पानी का बपतिस्मा देने के समय में टोकन को देखा वो, वैसे पवित्रात्मा का बपतिस्मा को देखा, और वो नेक्स्ट मिनिस्ट्री उसका बाद में का जो सेवक आई है, हमको कितना खुशी लगता है। वैसे कितना लोग आज नाश हो रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य का आवाज को सुन के, मनुष्य का पीछा करते हुए, मनुष्य को ऊंचा उठाते हुए। वैसे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है, माय गॉड। वैसे सही है ना, क्यों उसको उठाए, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। वैस प्रभु ने उनको मेरा प्यारे भाई बहनों उनको उठाया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। वैसे प्रभु ने सचमुच में पानी का बापतिस्मा के लिए जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा, वैसे पानी का बापतिस्मा, मगर पवित्रात्मा का बापतिस्मा के लिए और एक नबी को भेजता है, और एक नबी का नीचे हम बैठना चाहिए, वो जो है मनुष्य पुत्र का सेवक है, द सन ऑफ मैन। वैसे और इसलिए इधर भाई लामट क्या बोलते हैं, भाई राम लामट बोलते हैं, वो लोग उनका रूप को पहचाना नहीं। वैसे मेरा प्यारा भाई बहनों, मिनिस्ट्री बोलेगा तो सेवकाई, बोलेगा तो सेवकाई को रूप है, वैसे रूप है, गधा का रूप नहीं है, घोड़ा का रूप नहीं है, मनुष्य का रूप लाल पाते हुए आता है, मनुष्य का रूप, नबी का रूप। मेरा प्यारा भाई बहनों, कैन यू से मैन, वैसे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। ये जबरदस्त बात है मेरे प्यारे भाई बहनों, और इसलिए वचन सही बोलता है। वैसे वचन क्या बोलते हैं, सही बोलता है। वैसे वो लोग मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नेक्स्ट मिनिस्ट्री है, लोग इसको पहचाने में नाकामयाब हो गया, आज भी वही स्थिति को हम देखता है, क्योंकि परमेश्वर कोई मनुष्य के साथ भाई ब्रैनम के साथ वैसे चला, तभी भाई ब्रैनम जिंदा था, भाई ब्रैनम के साथ वचन था, परमेश्वर उसके साथ खड़ा था, और परमेश्वर चलते आया, तभी भाई ब्रैनम पृथ्वी को छोड़ा, प्रभु वचन को छोड़ा नहीं, क्योंकि वचन पृथ्वी में है, वह प्रभु वचन के साथ ही चल के आ रहा है। कैन यू से मैन, प्रभु वचन के साथ ही चलते, कोई मनुष्य के साथ नहीं चलता है, क्योंकि वचन के साथ परमेश्वर चलता है। वैसे हम देखने के किधर वचन, इधर जॉन द बैप्टिस्ट वचन के साथ रहते हुए, वचन के साथ चलने वाला परमेश्वर को पहचाना। How many sermon? Where is John the Baptist? वचन के साथ रहते हुए, वचन के साथ चलने वाला परमेश्वर को पहचाना। My God, प्रभु को पहचाना हो, इसलिए वो चिल्लाया, Behold the Lamb of God, देखो प्रभु का मेमना आ रहा है।
वो यस परमेश्वर का मेमना आ रहा है, बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड, क्योंकि वो वचन के साथ चला, वचन के साथ चलते हुए परमेश्वर उसको दिखाई दिया और मेमना दिखाई दिया और मेमना को पहचाना और पवित्र आत्मा उधर ही आके बैठा, क्योंकि किधर वचन है, किधर वचन के साथ चलता है उधर पवित्र आत्मा आके उतरता है। कैन यू से मैन? ओ यस, कैन यू से मैन? हालेलुया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। ओ यस, ये जबरदस्त बात है। कैन यू से मैन? अब मगर आज आज हमारा जो जॉन द बैप्टिस्ट, हमारे समय का जो विलियम ब्रैनम, वो नहीं बोलेगा बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड, देखो मेमना आ रहे बोले, क्योंकि अभी वो मेमना बनते नहीं आ रहे, अभी वो दूल्हा बनते आ रहा है। वैस इसलिए बाइबल में वो भी दिया है बिहोल्ड द ब्राइड ग्रूम कमेट, देखो दूल्हा आ रहा है करके। कैन यू से मैन? और वो दूल्हा के ऊपर होली गोस्ट आके बैठा है। Can you say man? वैसे दूल्हा कौन है ब्रदर वाटसन? दूल्हा बाय लैमट नहीं है, बाय लैमट हमारा दूल्हा नहीं है, मगर हमारा दूल्हा कौन है? मसीह है। वैसे मसीह आ गया, वैसे मसीह उतरा। Can you say man? Hallelujah! ये जुबली है। Can you say? Praise be the name of the Lord! दूल्हा जो है मसीह है, क्राइस्ट है, वो दूल्हा है। वैसे ना बाय ब्रैनम ना बाय लैमट, वो दोनों भी हमारा दूल्हा नहीं है। वो दूल्हा के लिए, वो उस सेवकाई के लिए, वो उस सेवकाई के लिए बना हुआ पात्र है। कैन यू से मैन? वैस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। इसलिए मेरे फरबेर बेनू, ये मैसेज बहुत पावरफुल मैसेज है। वैस इधर हमको समझ होने वाला बात बहुत है। वैस कैन यू से मैन? ऑलराइट, वो लोग उसको पहचाना नहीं। आज भी लोग बाय ब्रैनम के बाद मसीह को पहचाना नहीं। आपको मालूम है बाय ब्रैनम जाने के बाद लोग पहचाने में नाकामयाब हो गया। मैं आज कहना चाहता है वैस कोई भी हो, ऑनलाइन सुनने वाला, MP3 सुनने वाला और यूट्यूब देखने वाला, एक बातों को समझने की कोशिश करो। वैसे जैसा बाय ब्रैनम गया, वो लोग उनको पहचाने में नाकामयाब हो गया। Yes, वो भाई ब्रैनम तक पहचाना। वैसे वो भाई ब्रैनम तक कैसे पहचाना? भाई ब्रैनम तभी छंगाई करता था, बहुत बड़ा सेवक है ये, वैसे छंगाई करने वाला। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। वैसे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। वैसे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। और भाई ब्रैनम उसको पहचाने, मेरा प्यारा भाई बहन, वैसे भाई ब्रैनम पहचान लिया। माई गॉड, वो पहचाना, पहचाना मेरा प्यारा भाई बहन। वैसे प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। ऑलराइट, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। वैसे प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। वैसे परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता है। वैस भाई ब्रैनम पहचान लिया। ऑलराइट, और भाई ब्रैनम परमेश्वर को पहचाना और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। वैस और अब देखता है कि परमेश्वर ने उनको जबरदस्त आशीष दे दिया। वैस भाई ब्रैनम का समय में माफ करना, क्योंकि मैं इधर ऑनलाइन सुनने वाले इकट्ठे हो गए तो वो लोग को इसको लगाने को मालूम नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको देखा, क्योंकि सभी लोग इस मैसेज को सुनने का है, सब लोगों को ये समझ होने का है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। इसलिए हम आने के पहले हम देखते हैं कि ट्रायल देखता है, मगर अभी मेरे को ज्यादा बोलने का समय नहीं है, मगर एक बातों को मैं बोलना चाहता है। वो लोग खाली भाई ब्रैनम को पहचाना वैसे और प्रभु को पहचाने में नाम कामयाब हो गए। कितना लोग आज नाशन का रास्ते में चलता है, मैंने बोलता है नाशन का रास्ते में। क्यों नाशन में चलता है? क्योंकि वो लोग खाली भाई ब्रैनम को पहचाना, भाई ब्रैनम का चिन्ह और चमत्कार को पहचाना। भाई ब्रैनम जाने के बाद वो लोग आगे का सेवकाई को, आगे का मिनिस्ट्री को, आगे का सेवकाई को वो लोग पहचाना नहीं। प्रभु के नाम को धन्यवाद। आगे का जो सेवकाई, आगे का सेवकाई को वो लोग पहचाना नहीं। कैन यू से मैन? वैसे वो लोग पहचाना नहीं, इसलिए भाई लामट इधर क्या बोलता है, दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज फॉर्म। तभी वो आया, तभी वो पानी में चलते हुए आया, वो लोग उसको पहचाना नहीं। वैसे परमेश्वर ऐसे ही काम करता है, कभी वो लोग पृथ्वी में चलते जा रहा था तभी पहचाना, मगर अभी पानी में चल के आने के समय में वो लोग नहीं पहचान सका। वो इस जबरदस्त बात है, जो भाई ब्रैनम पृथ्वी में था,
भाई ब्रैनम पृथ्वी में चलता था, भाई ब्रैनम पृथ्वी में महान काम को करता था, बहुत रोगी को चंगाई किया, महान कामों को किया। मैंने बोलना चाहता है महान कामों को कभी भी पानी में नहीं उतरा भाई ब्रैनम, कभी भी भाई आपको मालूम है भाई ब्रैनम एक बार भी पानी में चल के नहीं आया। कितना लोग विश्वास करते हैं इतना महान काम किया भाई ब्रैनम, मगर समुद्र में चला किया भाई ब्रैनम, हाँ नहीं चला वो वैसे, इसलिए वो पृथ्वी में चलते हुए सेवकाई को कर दिया, मगर समुद्र में नहीं चला, समुद्र में नहीं उतरा। मगर भाई ब्रैनम समुद्र में नहीं उतरे क्योंकि समुद्र में उतरने के लिए चेले लोग समुद्र में नहीं था। वैसे बराबर सुनो, भाई ब्रैनम का चेले लोग समुद्र में नहीं था, भाई ब्रैनम का चेले लोग पृथ्वी में था, इसलिए वो पृथ्वी में चला, सब लोग उसको देखा। वैसे मगर इतना डरा नहीं, जितना डरना चाहिए उतना डरा नहीं वैसे, मगर वो पृथ्वी में चला, पृथ्वी में महान सेवकाई को कर दिया। कैन यू से आमेन? और वो लोग को उसको पहचाने नहीं वैसे, और हम लोग और सचमुच में मैं बोलना चाहते हैं वैसे पृथ्वी में चलने वाला नबी को पहचाना बहुत बड़ा बात नहीं है। हाँ कितना लोग समझता है पृथ्वी में चलते हुए जाने वाला सेवकाई, पृथ्वी में चलते हुए रहने वाला सेवकाई को पहचानने इतना कष्ट नहीं है, बहुत इजी है। क्योंकि आप कभी भी सोचेगा नहीं ये समुद्र में वो उतरे करते, कभी भी हम सोचे नहीं ये सातवां मोहरा ऐसी तरीके में आता है करके, कभी भी हम सोचे नहीं ये फुल रेवलेशन सातवां मोहरा। वैस मेरे प्यारे भाई बहनों, फुल रेवलेशन पूरा प्रकाशन पृथ्वी और समुद्र दोनों में भी चलता है। हाउ मेनी सेवन वुड यू गिव द प्रेज ऑफरिंग? वैस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। आहा, ये पूरा भाई ब्रैनम का जो सेवकाई पूरा रेवलेशन नहीं है, वो फुल वर्ड नहीं है, फुल रेवलेशन नहीं है। भाई ब्रैनम का जो मिनिस्ट्री, भाई ब्रैनम का जो सेवकाई, भाई ब्रैनम जो है वो पूरा वचन नहीं है, वो एक भाग है वचन का, मगर तब पूरा वचन आ गया, पूरा रेवलेशन आ गया। वो खाली पृथ्वी नहीं समुद्र में भी चलता है। हाउ मेनी से मैन? माय गॉड, पृथ्वी और समुद्र दोनों में भी चलने वाला है। कैन यू से मैन? माय गॉड, माय गॉड। यस आहा, खाली आप लोग पृथ्वी में चलने वाले को पहचाना अभी तक? वैस आप लोग पृथ्वी में चलने वाले पहचाना, मगर तभी ये सेवकाई, तभी ये मिनिस्ट्री, तभी ये रिवील्ड वर्ड प्रकटित हुआ वचन, तभी ये पूरा रेवलेशन वो पानी में चलने को शुरू हो गया, पानी में उतरा क्योंकि चेले लोग भी पानी में था। कैन यू से मैन? माय गॉड, तभी वो लोग उसको पहचाना नहीं। वैस कितना लोग आज उसको पहचाना नहीं, इसलिए वो लोग नेक्स्ट मिनिस्ट्री वैस विलियम ब्रैनम का भाद में का सेवकाई को अभी भी पहचान नहीं, क्योंकि वो लोग पृथ्वी को देख के पृथ्वी में रहने वाला। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? मैं स्वर्ग से आया हूँ क्योंकि मैं जो है स्वर्ग से उतर के आया। वैस माय गॉड, वैस वो लोग पृथ्वी को देखता है, पृथ्वी का नबी लोगों को पहचाना, मगर तभी वो पानी में उतरा। कोई भी नबी एक नबी भी समुद्र में चल के नहीं आया, मगर यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है दी वर्ड है, वो समुद्र में उतरा, समुद्र में से चल के आता है। वैसे क्यों समुद्र में चला? क्योंकि वो फुल वर्ड है, क्योंकि वो फुल रेवलेशन है, पूरा रेवलेशन आधा नहीं है, पूरा रेवलेशन भाई ब्रैनम का पूरा रेवलेशन नहीं है। हाउ मेनी बिलीव दैट? कितना लोग विश्वास करते हो? मेरे को पत्थर मत मारो, मैं सच्ची बोलता हूँ, सच्चा कहता हूँ, भाई ब्रैनम का जो है वो पूरा रेवलेशन नहीं है। वो मेरा प्यारा भाई बहनो, वो एक भाग है रेवलेशन का, एक भाग बोल सकता है, एक पार्ट है, मगर पूरा पार्ट, पूरा भाग नेक्स्ट मिनिस्ट्री के बाद में आता है। ब्रदर वाटसन, कौन है पूरा रेवलेशन? प्रभु यीशु मसीह जो है पूरा रेवलेशन है। कैन यू से मैन? वैस खाली छठो मोहरा सुनने का तो सुनने के बाद आपका पूरा हो गया? आप लोग खाली छठो मोहरा सुना और छठवा मोहरा का ऊपर आप सील्स रिहर्सल करते हो, छठो मोहरा का ऊपर सातवा मोहरा को पूरा नहीं सुना, ना पहचाना भी नहीं आप लोग, इसलिए आप अभी तक पहचाना नहीं, अभी तक आपको पहचान नहीं हो गया, अभी तक आप लोग को पहचान नहीं, इसलिए आप लोग का समय व्यर्थ है। मैं दस से तो लौट बोलता है, यहोवा यू कहते बोलता है, आप लोग समय को व्यर्थ करता है। ओ ये तो आप इस सेवकाई को सुनो, नहीं तो नाश हो जाओ। दस से तो लौट, दस से तो होली स्पिरिट। अगर आप सोचते हो ये वाट्सन करके आप विफल हो गया, ये
सेवकाई को पकड़ लेंगे। अगर आप सोचते हो ये वाटसन का सेवकाई करके आप लोग अभी तक पहचाने नहीं, मगर ये वाटसन का मतलब नहीं है, ना कोई मिनिस्टर का मतलब नहीं है, ये वचन का मतलब है, ये वचन है, ये रेवलेशन है। क्या न्यूज से मैंने, ये रेवलेशन है। वॉयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। वॉयस इसलिए मेरे थर बैर पहनो, जॉन द बैप्टिस्ट क्या बोलते हैं इधर, विलियम ब्रैनम क्या, बिहोल्ड द ब्राइड ग्रूम कमिंग, देखो दूल्हा आ रहा है। वॉयस हाँ, मेमना नहीं दूल्हा आ रहा है अभी, मेमना पहला सेंचुरी में वो मेमना बन के आया, क्योंकि वो सूली पर चढ़ने का समय था, मगर अभी सूली पे चढ़ने के लिए नहीं आता है, अभी हमको छुटकारा देने के लिए, रिडेम्पशन करने के लिए, छुटकारा देने के लिए वो आता है। वॉयस कैन यू से मैन, अभी अगर मैं बोलेगा छुटकारा देने के लिए, कौन मेरे को और आपको छुटकारा दे सकता है? सिर्फ दूल्हा दे सकता है। वॉयस दूल्हा मेरे को और आपको छुटकारा दे सकता है। कैन यू से मैन, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। वॉयस तो छुटकारा देने के लिए मेरे पैर पैर में सिर्फ दूल्हा आ सकता है। वॉयस इसलिए दूल्हा, इसलिए प्रभु भाई ब्रैनम क्या बोलता है, देखो दूल्हा आ रहा है। वॉयस दूल्हा आ गया। वॉयस इसलिए वो दूल्हा आने में वॉयस वो मिनिस्ट्री के ऊपर, वो सेवकाई के ऊपर, वो मनुष्य के ऊपर, वो नबी के ऊपर पवित्र आत्मा आके उतरा। Can you say amen? पवित्र आत्मा सबके ऊपर नहीं उतरता है, सब हेरा फेरी के ऊपर पवित्र आत्मा के नहीं उतरता है, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के ऊपर आके उतरता है। वैसे इसीलिए हमको मालूम है जो मिनिस्ट्री का ऊपर पवित्र आत्मा के उतरा, वैसे कबूतर का परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। आपको मालूम है एक बात में आज बताता है, ये मलाकी 4-5 में रहने वाले लोग मेरा पैर पैर में कुछ भी मालूम नहीं है, वो लोग को कुछ भी, वो लोग घास खाता है, सही बोलता है, वो लोग घास खाता है, वो लोग कुछ भी मालूम नहीं। हमारा जॉन द बैप्टिस्ट बोला नहीं, वैसे हमारा जॉन द बैप्टिस्ट बोला नहीं, बराबर सुनो इधर क्या बोला वो, जैसा जॉन द बैप्टिस्ट बोला वैसे ही हमारा भी नबी बोला था। आप लोग 2000 सालों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी वो क्या बोला था, एक चिन्ह को दिखाया वो। ये अभी अभी आगे का जो सेवकाई, आगे का जो नबी, अगर उनका सेवकाई के बारे में परमेश्वर जॉन द बैप्टिस्ट को बताया, और इसलिए मैं कहना चाहता है, सब लोग बोलते हैं हम ब्रैनम को पीछा करता है, हम ब्रैनम का हम ब्रैनम हमारा नबी है, हम स्पोकन वर्ड किताब पढ़ता है, हम टेप सुनता है बोलता है, नालायक लोग ये लोग टेप सुन के क्या पाया ये लोग। हाँ मगर भाई ब्रैनम बराबर बोला, इधर सुनो जॉन द बैप्टिस्ट भी बराबर बोला, क्या बोला देखो सामने जो खड़ा हुआ, वैस बराबर सुनो सामने जो खड़ा है वैस वो नबी है, उनका ऊपर कबूतर उतर के आएगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। कौन है वो? व्हाइट ईगल है वो, सफेद उकाबे। वैस इधर सुनो भाई ब्रैनम का, ऑन द विंग्स ऑफ द स्नो व्हाइट डॉग, सफेद उकाब का पंखे का ऊपर, वो मैसेज को आप सुनाएगा, सफेद उकाब का पंखे, वो मैसेज पे भाई ब्रैनम क्या बोलता है, बराबर सुनो, वो सून आफ्टर माय मैसेज, मेरा मैसेज खत्म होने के बाद, वो सेम जॉन द बैप्टिस्ट का स्टेटमेंट, मेरा मैसेज खत्म होने के बाद और एक मैसेज आ जाएगा, वो यस और एक मैसेज आ जाएगा, वो सफेद उकाब का मैसेज हो जाएगा। ओ यस, सफेद उकाब का मैसेज, सफेद उकाब का संदेश, और कबूतर उसको चला के ले गया। आमीन, क्योंकि उधर कबूतर आ जाएगा, बोलो वो यस, कबूतर उसके ऊपर आ जाएगा। कैन यू से आमीन? ये क्या स्टेटमेंट में गलत है? दोनों भी एक ही जैसा स्टेटमेंट है। अभी अभी मैं आज इस शाम के समय में मैं बोलना चाहते हैं, क्यों हम लोग सच्चा विश्वासी, मालूम है मेरे को घमंड है मैं सच्चा विश्वासी बोलने के लिए, मैं यूट्यूब पे पब्लिक यूट्यूब में बोलता है मैं सच्चा विश्वासी है, इसलिए मैं ब्रूस का जैसा आदमी को छोड़ के आ गया, ब्रूस को मैं छोड़ा, क्योंकि मेरे को मालूम पड़ा ब्रूस एक सही आदमी नहीं है, वो गलत आदमी है, इसलिए मैं ब्रूस को छोड़ दिया। वैसे ना 10 साल तक ब्रूस के साथ में था, मेरे को कुछ भी ये बात मालूम नहीं था, पर तब मेरे को परमेश्वर ने भाई रॉबर्ट लिलामट का मैसेज को दे दिया, तब से मेरा आंखों को खुलासा हो गया। वैसे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। हाँ अभी आप सुनो, हाँ भाई ब्रैनम क्या बोला,
सून आफ्टर माई मैसेज, मेरा संदेश होने के बाद और एक संदेश आ जाएगा, वो जो है सफेद उकाब का संदेश है और कबूतर उसको लेकर आगे जाए। इनका मतलब कबूतर उसका ऊपर आके बैठे, क्योंकि वो सही बोला, वो सफेद उकाब कौन है? सफेद उकाब भाई लहमत नहीं है, सफेद उकाब जो है मसीह है, क्राइस्ट है, वो क्राइस्ट का सेवक है, वो सफेद उकाब है और उसी सेवकाई का ऊपर कबूतर है। कबूतर कौन है? पवित्र आत्मा। उसी सेवकाई का ऊपर होली गोस्ट है, वो और दूसरा शब्द में उसी सेवकाई को रहने से, उसी सेवकाई का सुनने से आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। Can you say amen? My God, वो यस, प्रभु का नाम को धन्यवाद। ये जबरदस्त बात है मेरे प्यारे भाई बहन, वो यस, इससे आगे कुछ भी नहीं है। मैंने एक बात बोलो, इस रात को कौन इसको सुनता है, कौन MP3 सॉरी ऑनलाइन में सुनते, आप लोग भाग्यवान लोगे, आप लोग महान आशीष को पाया वो लोगे, क्योंकि ये हकीकत का बात है। भाई ब्रैनम इसी मकसद के लिए आ गया। ब्रदर वाटसन, भाई ब्रैनम किसके लिए आ गया? भाई ब्रैनम हमको मसीह को पहचान कराने के लिए आ गया। तब तक हमको पहचान नहीं है, हम नाकाम है आप लोग। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पृथ्वी में मिलने वाला बात नहीं है, इसके लिए हम समुद्र में होना चाहिए। समुद्र क्या है आप समझने की कोशिश करो, आप समुद्र में रहेंगे तो आपको किनारा मिलेगा। वह समुद्र क्या है? समुद्र जो है आपको ठोकन के लिए जाने वाला रास्ता है। समुद्र क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? समुद्र क्या है? सेवंथ सील जो है समुद्र में चल के आता है। वह प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। ऑलराइट, वो लोग खाली आप पृथ्वी में चलने वाला नबी को पहचाने से काम नहीं होता है। हाँ, ये जो बात है, जॉन द बैप्टिस्ट का चेले लोग समुद्र में नहीं था ना, उनको पहचान भी नहीं हो गया। वो लोग खाली पृथ्वी में चलने वाले को पहचाना और उधर ही रह गया। वैसे मगर हमारा समय में ऐसा नहीं है, हम लोग समुद्र में उतरा, हम लोग समुद्र में जा रहे हैं, हम लोग नाव के अंदर से, फेलोशिप नाव है, वैसे नाव जो है फेलोशिप है, हम लोग फेलोशिप के अंदर है, वैसे हम लोग नाव के अंदर बैठते हुए जा रहे हैं। मगर मेरा फेर फेर कहनो इधर क्या दिया, वो लोग समुद्र में आने वाले को पहचाना नहीं। ये जो है आज का स्थिति है, समुद्र में आने वाले को पहचाना नहीं। ये लोग खाली भाई ब्रैनम को पहचाना बस, मगर उसके बाद में का जो सेवक आई उनका रूप को भी पहचाना नहीं। माय गॉड, ये कितना दुखी का बात है। वैस खाली ये लोग को मालूम है भाई ब्रैनम वैस बहुत बहुत सुलभ रूप से पहचान लिया, मगर वो समुद्र में चलने को शुरू किया तभी ये लोग पहचाना नहीं। वैस तभी वो पृथ्वी को छोड़ा और समुद्र में चलने को शुरू किया। कौन है वो? हाँ, कभी वो पृथ्वी में चलता था मगर पृथ्वी में चलने के समय में वो मगर वो लोग पहचाने, मगर तभी वो रिवील्ड वर्ड प्रकटित हुआ वचन बन गया। कैन यू से मेन रिवील्ड वर्ड प्रकटित हुआ वचन? अगर प्रकटित हुआ वचन है वो खाली पृथ्वी में नहीं, वो समंदर के ऊपर भी चलता है। कैन यू से मेन हालेलुया? वो सिर्फ पृथ्वी नहीं है, समंदर के ऊपर भी चलता है। कैन यू से मेन? My God. Oh yes, sir. Amen. Oh yes, sir. Thank you, Lord. क्योंकि oh yes, वो आप और मेरे के जैसा नहीं है, वो वचन के साथ चलता है। वो हमको, मेरे को और आपको देखने का वचन के साथ चलने वाले को, मनुष्य के साथ चलने वाले क्या हो गया? भाई ब्रैनम निकल गया, भाई लैम्बर्ट निकल गया, मगर ये लोग वचन को नहीं देखा, ये लोग मनुष्य को देखा, ये लोग मनुष्य के साथ चलने को शुरू किया। ये लोग डाल्टन ब्रूस का जैसा, वैसे डाल्टन ब्रूस और विन डायलन, जॉर्ज रटन, थियो ओविड और ऐसी जो बड़ा बड़ा नाम को पाया हुआ सेवक लोग, वो लोग सोचा क्या है, ये लोग बहुत बड़ा सेवक लोग है, ये लोग वो लोग के साथ चलने को शुरू किया, वचन को छोड़ दिया। मगर प्रभु यीशु मसीह कोई मनुष्य के साथ चलता नहीं, वो वचन के साथ चलता है। वो वचन के साथ चलने वाला है, क्योंकि वो फुल रेवलेशन है, वो पूरा रेवलेशन है। कैसा पूरा रेवलेशन? मनुष्य के साथ चलता है।
हाँ, वो वचन के साथ चलता है। बराबर सुनो, हाँ वो वचन के साथ चलता है। वो वो अपने आप को वचन के द्वारा प्रकटित करता है। वयस आप लोग उसको देखना चाहिए। आप लोग मनुष्य को नहीं देखना, कोई सेवक को नहीं, मेरे को नहीं देखना, मेरे को भी मत देखो। आप लोग वचन को देखो। वचन देखने से आपको मालूम पड़ता है उसका साथ चलने वाले को आपको मालूम पड़ता है। वयस ये लोग खाली ब्रैनम को देखा, ये लोग और किसी को नहीं देखा था, इसीलिए ये लोग 6 मोहर तक उसको पहचान दिया, मगर 6 मोहर के बाद वो लोग को पहचान नहीं हो गया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। मगर 6वां मोहर के बाद भी हम लोग ऑब्जर्व करता था, हम लोग देखने को शुरू करता था, हमको मिला वो कैन यू से हम पहचान लिया। ए मैंने हम पहचान लिया, कैन यू से मैंने हम पूरा वचन को, पूरा रेवलेशन को पहचान लिया। हाउ मेनी से मैंने हम पूरा रेवलेशन को पहचान लिया। कैन यू से मैंने थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू से आज का दिन भी ऐसा है। भाई ब्रैनम गया, भाई लैम्बर्ट भी गया, मगर पानी में चलने वाला नहीं गया। वो कौन है? मसीह है वो। वयस हम लोग हमारा फर्ज है, हमारा 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 काम है पानी में चलने वाले को हम देखना चाहिए। हम वचन के साथ चलने वाले को देखना चाहिए। वयस हम लोग देखना चाहिए। ऑल राइट वयस वो लोग दोनों को भी देखा मालूम है, चेले लोग दोनों को भी देखा। बराबर सुनो, ये चेले लोग दोनों को भी देखा, जॉन द बैप्टिस्ट को भी देखा। क्या कैसे देखा? क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट बोला बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड, देखो मेमना आ रहा है, प्रभु का मेमना। ये जबरदस्त बात है। वैसे आप दोनों को भी पृथ्वी में चलने वाले को भी देखने गए और पानी में चलने वाले को भी देखने गए। इनका मतलब आप वचन का भाग को भी देखने का और पूरा वचन को भी देखने का। हाउ मेनी से मैन माय गॉड। वयस ये जबरदस्त बात है। मैं चैलेंज करता है, कौन इसको इनकार कर सकता है? मैं चैलेंज करेगा ये पब्लिक यूट्यूब होने के नाते। माई गॉड वयस इधर सुनो। हाँ वो लोग चेले लोग दोनों को भी देखा था, जॉन द बैप्टिस्ट को भी देखा। वो लोग अच्छा माइंड वाला है, अच्छा बुद्धि वाला है वो लोग। वयस अगर जॉन द बैप्टिस्ट बोलता है, बराबर सुनो, अगर जॉन द बैप्टिस्ट बोलता है ये दुनिया का सारी पाप को निकालने के लिए मेमना बनते हुए आया करके बोलता है वयस, तब हम लोग उसको देखने के वो सोचो। बराबर सुनो, तभी भाई ब्रैनम बोला बिहोल्ड द ब्राइडग्रूम कमिंग, देखो दूल्हा आ रहा है। इसका मतलब दूल्हा आएगा, हमको ऑब्जर्व करने का है दूल्हा किधर से आएगा। वैसे अभी तक दूल्हा हमको दिखाई नहीं दिया। वैसे 6 मोहर तक हम लोग सुना था। हाँ ये लोग क्या किया मालूम है? ये लोग के बारे में अभी बताते हैं, थोड़ा मेरे को समय दे। अरे भाई ब्रैनम दूल्हा रहे बोला और बोला मैं जो है यहाँ पर खड़ा है, मैं उनका शूज का जो शूज का लेस को खोलने के लिए मैं योग्यता नहीं है, और दूसरे शब्द में मैं उसका शू पहनने के लिए भी योग्य नहीं है। और वो बड़ू मैं गटू, ऐसा बोला वो बड़े मैं गटे। और वो जो है बड़ा आदमी है, बड़ा व्यक्ति है बोला वो, बड़ा ही इज अ ग्रेट पर्सन बोला, महान व्यक्ति है करके बोला। माय गॉड, और बोला जो मेरा मैसेज के बाद वो जो मैसेज है सफेद उकाब का मैसेज है, और आप लोग सुनना पड़ेगा बोला। और एक बात बोला, मैं जाने के बाद मेरा जाना समय आ गया, ज्यादा समय में नहीं है, और कोई आएगा वो विचित्र मनुष्य रहेगा और वो मेरा मैसेज को आगे लेकर जाएगा, और तुम लोग आप लोग सुनना पड़ेगा और आप लोग उसको सुनना पड़ेगा बोला। अरे ये सब बात बोलने के बाद हाँ इधर चेले लोग क्या बोलते हैं? अरे वो लोग दोनों को भी देखा भी। वैसे हम क्या करने के? बराबर सुनो, हम भी ऐसा है, दोनों को भी देखने का देखने वाला बनना चाहिए। दोनों को भी, भाई ब्रैनम को भी और प्रभु को भी, प्रभु यीशु मसीह को भी देखना और भाई ब्रैनम को भी देखना। माय गॉड, और वो लोग ऑब्जर्व किया, इंतजार किया और देख रहा था। आहा, इधर ऐसा नहीं है। इधर ये लोग क्या करते हैं मालूम है? किधर भी एक नया मिनिस्ट्री उठेगा अच्छा नाम से, अच्छा प्रभाव के द्वारा डॉलर फेंकने वाला, ये लोग सब किसके लिए जमा हो गया? मैं आपको बोलो, वचन के लिए नहीं है, डॉलर के लिए।
और साल में एक एक बार ट्रिनिडाड जाने को मिलता है, अमेरिका जाने को मिलता है, जर्मनी जाने को मिलती है। यही आशा में ये लोग है। रैप्चर में जाने की आशा नहीं है, जर्मनी का आशा है, अमेरिका का आशा है, कनाडा का आशा है, ऑस्ट्रेलिया का आशा है, यही आशा में ये लोग भरा है। मगर हम ऐसा नहीं है, हमको रैप्चर में जाने का आशा है, हमको टोकन मिलना आशा है, हम टोकन पाने का हमारा आशा है। कैन यू से मैन? इसलिए वो लोग को वो लोग ऑब्जर्व नहीं किया। वो लोग क्या करते हैं मालूम है? डॉलर का ऑब्जर्व करता है। अगर डॉलर किधर से आता है उस मनुष्य के पीछे जाएगा। मेरा प्रश्न है, क्या डाल्टन ब्रूस को मालूम है ये सब बात? डाल्टन ब्रूस क्या बात चाहता है? और उनके एजेंट लोग खाली डाल्टन ब्रूस को ऊंचा उठाता है, ब्रूस ब्रूस शपट 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 करके। हमारा काम वो नहीं है, शपट शपट बोल के शपट को। हमारा शपट जो है प्रभु यीशु मसीह। कैन यू से मैन? माय गॉड, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। सुनिए, इधर दोनों को भी ऑब्जर्व किया हम लोग, देखा छठों मोहर तक ऑब्जर्व किया, क्योंकि छठों मोहर तक भाई ब्रैनम ने खुलासा कर दिया। भाई ब्रैनम को प्रभु ने छठवा मोहर तक प्रकाशन को देने के तक उसको चलाया। छठों मोहर तक प्रभु चलने का देखा वो। कैन यू से मैन? छठवा मोहर तक। हाँ, मेरा प्रश्न है, क्या पहला मोहर से पहला मोहर में हमको वो दिखाई दिया प्रभु यीशु मसीह? नहीं। हम किसको देखा? वैसे झूठा नबी को देखा, दूसरा घोड़ा सवारी झूठा नबी, तीसरा झूठा नबी, चौथा झूठा नबी को देख रहे हैं हम लोग, और पांचवा यहूदी लोगों को दिखने को मिलता है। आप बराबर बोलो मेरे को, यहूदी लोगों का प्राण हमको दिखने को मिलता है मरने के बाद का। यहूदी लोग जिंदा यहूदी लोग नहीं है, मरने के बाद में का यहूदी लोग दिखाई देते हैं हमको। हाँ, और छठवा मोहर न्याय दिखाई देता है। अभी बताओ कि किधर हमको प्रभु दिखाई मिला? छह मोहर में, क्या छह मोहर खुलासा होने से प्रभु आपको दिखाई दिया? झूठ बोला मत कभी भी। भाई ब्रैनम किधर भी झूठ नहीं बोला, सच्चा ना भी है वो। मरने के तक इंतजार किए वो, और छह मोहर तक वो चला, क्योंकि छह मोहर पृथ्वी का संबंधित मोहर है, पृथ्वी में होने वाला बात का मोहर है, क्योंकि एक भी झूठा नबी समुद्र में उतर के चला नहीं। वैस अभी समुद्र में उतर के चलने वाला नबी आता है सातवा मोहर का द्वारा। कैन यू से मैन? सातवा मोहर का द्वारा समुद्र में उतर के चलने वाला नबी आता है। कैन यू से मैन? माय गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। हा, किसका काम है वो? भाई ब्रैनम तो गया, ऑब्जर्व कर नहीं सकता है। 65 तक ऑब्जर्व किया, नहीं मिला उसको। 65 तक देखा वो, वाह वयस पानी में चलने वाला अभी आ जाएगा, पानी में चलने वाला आ जा करके ऑब्जर्व किया, नहीं मिला उसको। प्रभु ने उसको लेके घर में लेकर गया विश्राम करने के लिए। मगर ये भाग्य, ये मौका दुल्हन को मिलता है, दुल्हन को ये देखने को मिलता है। आपको मालूम है दुल्हन को? हो हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड, ग्लोरी फायर नेम ऑफ द लॉर्ड। माय मौका मिला, ये महान आशीष मिला। क्या देखने के लिए? पृथ्वी में चलने वाला भी और समुद्र में भी चलने वाला। छठवा मोहरत भी सुना और सातवा मोहरत भी पहचाना वो लोग। कैन यू सेवन? ओ हालेलुया, ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। वैसे ये महान रेवलेशन है, ये महान प्रकाशन है। कैन यू सेवन? माय गॉड। वैस मेरे को प्रचार करने का छोड़ के इधर उधर भाग के डांस करने के लिए मन लगता है। वैस मेरे को मालूम नहीं आप लोग सुनने वाले को क्या होता है करके। वैस एक मुर्दा भी इस रेवलेशन में उठा जाएगा, एक मुर्दा भी बैठ के बोलेगा धन्यवाद बोलेगा। मगर हम जीते जीते हम मुर्दा बनने के नहीं है मेरा फ्रेंड। वैस जिंदा होते हुए परमेश्वर को धन्यवाद बोलो, परमेश्वर को आमीन बोलो। कैन यू से मैन? माई गॉड, वैस मेरे को थकावट कभी भी नहीं होगा ऐसा प्रचार करने से। वैस सातों मोहरा में हमको वो दिखाई दिया, सातों मोहरा को हम पहचाना, सातों मोहरा में हम पहचान लिया, क्योंकि हम उसको देखते रह गया।
छठा उम्र तक देखकर भाई ब्रैनम भी इंतजार किया, नहीं मिला उसको, मगर हमको वो भाग्य मिला, हमको वो मौका मिला। हम दोनों को भी पहचाना, पृथ्वी में चलने वाले नबी को भी पहचाना, समुद्र में उतर के चलने वाला नबी को भी, दोनों को भी पहचाना। Can you say amen? Yes, my God. Yes, praise be the name of the Lord. All right. वो लोग उनको देखने को शुरू किया और बराबर सुनो, मास्टर मास्टर हमारा नेता आप कहाँ पर रहते हो? वो बोला कहाँ पर आप रहते हो? वैस अगर वो परमेश्वर का मेमना है पाप को निकालने के लिए, अगर वो दुला है, वैस वैस हम कहाँ पर है? वैस ऑल राइट, इधर बराबर सुनो, सब लोग वहां पर खड़े थे, सब लोग वहां पर देख रहे थे। अगर वो लोग टेस्ट किया, अगर ये जो है मेमना है, दुनिया का पाप को निकालने के लिए आया हुआ मेमना है, हम कहां पर है? हम किसको अभी पीछा करना, हम किसका पीछे जाने के? वो लोग ऐसा सोच रहा था देख के। प्रेज़ बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। और पूछा, मास्टर मास्टर वैस मास्टर नेता कहाँ पर आप रहते हो? और वो क्या बोला, आ जाओ और देखो कहाँ पर मैं पास्टरिंग करता है। प्रेज़ बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। आ जाओ और देखो कहाँ पर मैं सेवकाई करता है। प्रेज़ बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। कितना ब्यूटीफुल है, आके देखो मैं कहाँ पर सेवकाई, कहाँ पर मैं सेवकाई, कहाँ पर मैं मेरा आवाज को देता है। माई गॉड, ये कितना महान बात है, आकर देखो। वैस अगर वो आज चलता है, अगर हम लोग उसको देखते रहता है, वैस अगर हम उसको वही से प्रश्न पूछेगा, आप कहाँ पर रहते हो? वैस आपको मालूम है? और वो बोलेगा आके देखो। वैस प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। मैं कहाँ पर रहते करके, मैं कौन सा जगह में रहते करके आके देखो। वैस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। वैस और मेरा प्यारा भाई बहनों, ये महान बातें वो उस समय में भी वो लोग क्या हो गया, पृथ्वी में चलने वाले को पहचान लिया वो लोग, प्रभु यीशु मसीह के चेलों पृथ्वी में चलने वाले को पहचाना, मगर वो मनुष्य पुत्र वैसे पानी में चल के आता था, वो लोग डर गया। ये बात आज भी है। वैसे हम पृथ्वी में चलने वाले काफी देखा, भाई ब्रैनम का सेवक आई, जबरदस्त था, हॉस्पिटल खाली हो गया, गिलारी को बनाया और सब कुछ बनाया, सब अंधे को आंख दिया, सब कुछ किया, और दूल्हा आ रहे करके बोला, सब कुछ किया वो, मगर तभी वो पानी में चल के आने के समय में हम डरा। वैस हमको डर हो गया, अरे ये ऐसा कैसे होता है, ये रेवलेशन ऐसा कैसा है, ये रेवलेशन, क्योंकि ये फुल रेवलेशन है। वैस ये छोटा ब्राइड, वैस ऑल राइट, छोटा दुल्हन को डर हो गया, मगर डरो मत, अभी वो खाली चलता नहीं, नजदीक आ रहा है, वो रेवलेशन नजदीक आ रहा है। वैसे डरने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए। माय गॉड, अभी वो लोग डरने को शुरू हो गया, मगर वो पीछे पीछे नहीं गया, आगे आ रहा है, चल के आगे आ रहा है, क्योंकि वो लोग का डर को निकालने के लिए। वैसे ही ये रेवलेशन हमारा नजदीक आ गया, ये रेवलेशन हमारा पास आ गया, ये सातों मोहरा हमारा पास आ गया। क्यों आ गया? हमारा डर को निकालने के लिए। माय गॉड वैस कैसा नजदीक आता है, ये रेवलेशन कैसा नजदीक आ रहा है, डीपर रेवलेशन, और भी गहराई का जैसा। माय गॉड, दिन बढ़ते हुए गहराई प्रकाशन हमको आके मिलता है। आहा, क्योंकि वो पानी में चल के आने वाला प्रकाशन है। How many seven? ये पानी में चल के आने वाला प्रकाशन है, बहुत गहराई में आता है, बहुत डीपर रेवलेशन, और भी डीप, क्योंकि आप मालूम है समुंदर जो है बहुत डीप है। How many seven? बहुत डीप है, और डीप में प्रभु यीशु मसीह हमको दिखाई दे। How many seven? Can you seven? बहुत डीपर और डीपर और
चोटी पर बहुत गहराई 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 का पानी में चल के आता है। इसका मतलब यही इतना डीप रेवलेशन, इतना डीप प्रकाशन, इतना डीप इतना गहराई का प्रकाशन में परमेश्वर चलके चलके आप और मेरा पास आता है। How many amen? आपको मालूम है हर एक ऑनलाइन हमारे लिए डीपर है, डीपर रेवलेशन है, डीपर प्रकाशन है, और भी डीपर, और भी डीपर उजाला है। Can you say amen? और उस डीप में से प्रभु चलते आता है। How many amen? My God, मेरा पैर इधर खड़ा नहीं रहता है, मेरे को इतना आनंद होने का मन लगता है। Oh yes, प्रभु के नाम को धन्यवाद दिया। माई गॉड, माई गॉड, वॉयस कितना महान चीज पाते है। हाँ, माय गॉड, बहुत जबरदस्त है मेरे प्यार भाई बहनों, और भी डीपर, और भी डीपर। वॉयस क्यों क्यों वो ऐसा होना चाहिए, ऐसी चल के आना चाहिए। वॉयस अगर वो ऐसा नहीं आएगा, वो लोग को समझ भी नहीं होता है। वॉयस हाँ, वो लोग को मालूम भी नहीं होता क्या हो रहा करके, क्योंकि जितना डीप है समुंदर, जितना डीप रेवलेशन है, उसी रेवलेशन में वो चल के आता है। क्योंकि हमको समझ होने के लिए, हमको उनका पहचान होने के लिए। कैन यू से आमेन? ओ यस, ऑलराइट, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, ऑलराइट। मगर वो क्या करता है इस घड़ी में वो लोग समझा नहीं, ऐसा हम हमारा भी हालत है, हमको समझता नहीं है, वो लोग समझे नहीं। वो यस ऑलराइट, वो आदम के जैसा नहीं आया। हाँ, मगर वो लोग क्या किया, वो मेरा प्यारा भाई, ये बहुत बड़ा डीप रेवलेशन है। आदम का आदम पानी में चला था क्या, परमेश्वर का पैर वो खोया था, आदम खोया था, आदम को ये पावर था, आदम के पास ये सामर्थ्य था, मगर आदम नहीं रख सका। मगर ये जो है वो यस, वो आदम और हमारे बीच में ब्रिज, एक क्या बोलता है वो यस, एक तरीके का ब्रिज बनाने के लिए, वो यस एक तरीके का सेतु बनाने के लिए ब्रिज बना, क्योंकि ये जो खोया था एदन बगीचे में, जो खोया था वो खोया वो चीज उसको पूरा करके ब्रिज बनाने के लिए ऐसी करना पड़ा। और आपको मालूम है पृथ्वी और पानी में ब्रिज होता है। How many believe that? पृथ्वी और पानी के ऊपर ब्रिज बनता है। ब्रिज बोलेगे तो पृथ्वी और पानी को दोनों को मिलाने वाला एक चीज है। ऐसा ही मेरा प्यारा भाई बहनों, आदम खाली पृथ्वी का पृथ्वी में था, कभी भी पानी में नहीं होगा, मगर यीशु मसीह पृथ्वी और समुद्र का ब्रिज बनते हुए, एक सेतु बनते हुए हमारे को हमको दिखाई दिया। क्योंकि वो सामर्थ्य जो है परमेश्वर ने हमको दिया था, वो सामर्थ्य को हमको दिखाए वो। क्योंकि मेरे फेर बेर बेरो समंदर सब स्पोकन वर्ड से हो गए, बोला हुआ वचन से। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। बराबर सुनो, ऑल राइट, क्योंकि ये सामर्थ्य हम लोग परमेश्वर का बेटा और बेटी लोग है, वैसे हमारे पास वो सामर्थ्य होना चाहिए, हमारे पास वो अधिकार होना चाहिए, पानी में चलने वाला, काली पृथ्वी में नहीं, पानी में चलने वाला अधिकार हमको, वो पावर, वो सब सामर्थ्य, ऑल राइट, वो सब सामर्थ्य को वो लोग को दिखा रहा था। इसका मतलब मेरे फेर भैर बहनों, सेवंथ सील जो है पूरा सामर्थ्य को पाया है, सेवंथ सील सातों मोहरा के नीचे ये सब सामर्थ्य है, वैस पृथ्वी और समुद्र में चलने वाला, कैन यू से मैन, ब्रिज बनाने वाला, ऑल राइट। और वैस इसलिए परमेश्वर उनके अंदर रह गया और पूरा परमेश्वर उनका अंदर था, ऑल राइट। अभी ये अभी मैं ये बाइलामट क्या बोलते हैं, इधर देखिए, द एनॉइंटिंग दैट वॉज ऑन द प्रीचर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो अभिषेक वो प्रचारक का ऊपर था, द एनॉइंटिंग जो अभिषेक उनका ऊपर था, क्राइस्ट द एनॉइंटिंग द मसीहा जो मसीह का ऊपर था, और एनॉइंटिंग दैट क्रिएटेड द सी ऑफ गैलिली, वही जो एनॉइंटिंग जो अभिषेक के द्वारा वो समुद्र में चल के आ रहा था, जो अभिषेक के द्वारा वो आ रहा था, वो अभिषेक का द्वारा अभिषेक से वो गैलिली का समुद्र को भी बनाया। Can you say amen? वो अभिषेक से वो गैलिली का समुद्र को भी बनाया।
प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड. वेस ये जबरदस्त अभिषेक है. ऑल राइट, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दी. वेस हम कभी भी वेस बराबर सुनो इधर. वो ऐसा वेस सभी नबी लोग इधर सुनो. सभी नबी लोग वो अभिषेक एक भाग है. वो पूरा अभिषेक नहीं, सभी नबी लोग अभिषेक एक भाग है. वेस मगर यीशु ऐसा नहीं है, जीसस ऐसा नहीं है. वो फुल बॉडी रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड, पूरा तरीका का प्रभु का प्रकटित हुआ वचन है. ऑल राइट, वेस सभी नबी लोग भागे वैसे, क्योंकि इनके अंदर पूरा वचन है, दी वर्ड. इसलिए भाई ब्रैनम क्या बोला, ओपनिंग ऑफ द सील्स, दी वर्ड एग्जिस्टेड अपॉन द अर्थ बोला. बोरा खुलासा होने से पूरा वचन पृथ्वी का ऊपर खड़ा हो गया. बोलो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दी. ऑल राइट, और इसलिए यीशु मसीह पूरा नबी लोगों को देखा वैस, और अपना समय के वादक को भी देखा और उसको पढ़ा वैस, और इसलिए उसको मालूम था वो उनका सेवक है करके. नबी लोग जो भी बोला उसको हकीकत में मालूम था, उसको पक्का मालूम था ये उनका सेवक है. इसलिए वो पानी में चल के आना पड़ा. बराबर सुनो. ऑल राइट मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात बोलना चाहता है, कैसा आपको चुने हुए करके हम बोल सकते हैं. कैसे आपको, सब लोग बोलते हैं एक फैशन हो गया, मैं इलेक्टेड है, मैं परमेश्वर से चुना हुआ है करके बोलता है. आपका चुनाव कैसे आपको मालूम पड़ा, काली भाई ब्रैनम का मैसेज को पढ़ने से, काली भाई ब्रैनम का स्पोकन वर्ड किताब और टेप को आप रखने से आपको आपका चुनाव आपको मालूम पड़ता है? नहीं. आपका चुनाव आपको मालूम पड़ेगा कभी आप उनको पानी में चलते आने का देखा. इसका मतलब वो कल से आप समुद्र के पास जाके कौन आता वो नहीं है. ये बहुत बढ़िया रेवलेशन है, ये बहुत बड़ा प्रकाशन है. वैसे कभी आपको सेवंथ सील, सातवां मोहरा आपको पहचान दिया, आपको मालूम पड़ा ये कौन सा नबी का मुंह से निकला, आपको मालूम पड़ा वो ऐसे पृथ्वी को छोड़ के पानी में उतर के चलते आता है, आपको मालूम पड़ा ये फुल रेवलेशन है, आपको मालूम पड़ा ये पूरा प्रकटित वचन का शरीर है करके. वयस जगत का उत्पत्ति का पहले से ये भेद को प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए रखा था. जगत का उत्पत्ति का पहले से ये भेद मेरे लिए और आपके लिए प्रभु ने रखा था. वैसे कोई भी नबी ऐसा पानी में चलते नहीं आया, क्योंकि कोई सब नबी का काम नहीं है. इसके लिए वैसे इसके लिए पर्टिकुलर नबी चाहिए, ये काम के लिए पर्टिकुलर मिनिस्ट्री चाहिए. ये काम सबसे होने वाला नहीं है, नहीं तो सब लोग करता था. भाई ब्रैनम सब कुछ कर दिया, हॉस्पिटल्स को खाली कर दिया जैसे यीशु मसीह भी सब, मगर पानी में उतर के चला के नहीं दिखाया भाई ब्रैनम. हाउ मेनी बिलीव दैट, पानी में चल के प्रॉफिट नहीं दिखाया, वो बात नहीं दिखाया, क्योंकि वो उसका सेवक है नहीं है. वो जो है प्रभु यीशु मसीह का सेवक है, क्योंकि वो पूरा रेवलेशन है. आहा, भाई ब्रैनम दिखाया नहीं दिखाया. प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड. क्यों वो लोग पानी में नहीं चला, बराबर सुनो. क्यों प्रॉफेट ब्रैनम भी पानी में नहीं चला, क्यों? क्योंकि वो लोग के पास पूरा प्रकाशन नहीं था. They never had enough revelation. Oh yes, they never had enough revelation. वो लोग के पास पूरा प्रकाशन नहीं था. Oh yes, मगर प्रभु यीशु मसीह के पास पूरा प्रकाशन है, पूरा प्रकाशन है. मगर वो लोग के पास पूरा प्रकाशन नहीं था. कैन यू से आमेन? वयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद. वयस प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड. वयस प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड. वयस प्रभु के नाम को धन्यवाद. My God,
Praise be the name of the Lord. Yes. उसके पास पूरा रेवलेशन था, पूरा प्रकाशन था उसके पास. Praise be the name of the Lord. Full word, full revelation. All right. Praise be the name of the Lord. हाँ, अगर वो अभिषेक मसीह का ऊपर है, अगर वो अभिषेक मसीह का ऊपर है, अगर वो गलीली का समुद्र को बनाया, ऑल राइट, वैस वो सुप अलग तरीका का एक सामर्थ्य है. वैस वही सामर्थ्य बायलामट बोलते हैं अभी आ रहा है. अनकोट, इसका मतलब देखो, जो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह पाया, बराबर सुनो, जो सामर्थ्य, जो अभिषेक, जो एनॉइंटिंग प्रभु यीशु मसीह पाया था, वही अभिषेक बाय लैम्बर्ट बोलता है इट इज कमिंग नाउ, वो आ रहा है अभी. आमेन. वैसे हम लोग मामूली समय में नहीं है, वही अभिषेक के समय में हम लोग बैठा है, वही अभिषेक के समय में हम लोग खड़ा, इसलिए हम लोग ऐसी प्रचार करता है. वैसे कोई कोई सेवक को देख के उसका पीछे भागो मत, ये रेवलेशन के साथ खड़े रहो, ये अभिषेक के साथ खड़े रहो. वैसे ऑल राइट, वो किधर रहते हैं, वो किधर प्रकटित हुआ वचन रहते हैं, वहां पर रहते हैं वो. वैस वो जो अभिषेक प्रभु यीशु मसीह का ऊपर था, वही अभिषेक चांदी और तारा को सृष्टि किया, वही अभिषेक अभी इधर है, क्योंकि वो प्रकटित वचन है क्राइस्ट द एनॉइंटिंग. मसीह बोलेगा तो अभिषेक, अभी मसीह का समय है, मसीह बोलेगा तो अभिषेक है, इसलिए हम देखते हैं ये अभिषेक, ये तरीके का एनॉइंटिंग हम देखते हैं. वैस ये भी हमको मिलने का है. वैस गॉड द एलोन स्पिरिट लेफ्ट द वैस. प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड. और वही अभिषेक सारा सृष्टि को बनाया. माय गॉड, हम लोग किधर है अभी, जो सृष्टि को बनाए हुआ अभिषेक के पास हम लोग खड़ा है. कितना जबरदस्त बात है, जो सृष्टि, इसलिए समुद्र के ऊपर चलने का बड़ा बात नहीं है, एक मामले, क्योंकि ऐसी अभिषेक उतर के आ गया. कैन यू से मैन, अभी चले लोग क्या देखा, ऐसी अभिषेक को देखा, मसीह को देखा वो लोग, ऐसी रूप को देखा. हाउ मेनी सेवन, अभी मेरा बोलने का मतलब क्या है, ऐसी तरीका का सेवकाई, ऐसी तरीका का एनॉइंटिंग, ऐसी तरीका का अभिषेक को वो लोग देखा. कैन यू से मैन, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद. वैसे प्रभु के नाम को धन्यवाद, प्रभु को हम धन्यवाद बोलेंगे, प्रभु को हम पूरा स्तुति करेंगे. ऑल राइट, वैस एलोहिम कभी भी सृष्टि को नहीं किया, वो नेवर क्रिएट द वर्ल्ड. हाउ मेनी कि कितना लोग विश्वास करते हैं प्रभु का दूसरा आगमन को, मसीह का दूसरा आगमन को. एलोहिम कुछ भी सृष्टि नहीं किया, नहीं, हाँ कभी भी नहीं किया, मगर उन्होंने मसीह को छोड़ दिया. वैसे मसीह को छोड़ दिया, वैसे कुछ भी, अभी बाइबल में क्या लिखे, कुछ भी किया तो मसीह का द्वारा किया गया, क्राइस्ट का द्वारा. ऑल राइट, माय गॉड. वैस इतना महान है, जितना महान है. ऑल राइट, अभी इधर देखो मेरे फैर बैर फिर बहनो. वैस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद. क्यों वो पानी में चला, क्योंकि उनका ऊपर ऐसी अभिषेक था. हाउ मेनी बिलीव दैट, क्यों वो पानी में चला, क्योंकि उनका ऊपर ऐसी तरीके का अभिषेक था. वैसे अभिषेक कोई भी नबी लोगों का ऊपर नहीं था, ऐसे अभिषेक इनको ऊपर था, क्योंकि वो अभिषेक के द्वारा पूरा दुनिया को उन्होंने सृष्टि कर दिया. समुद्र को भी वही बोला अनकोट, इसका मतलब ये जो है, ये जो स्पेशल मोहरा है, ये जो सातवां मोहरा है, ये मोहरा के नीचे पूरा अभिषेक है. वैसे ये मोहरा ऐसी अभिषेक अभिषेक को लेकर आ गया, ये मोहरा छल के आया हमारे पास. कैन यू से मैन, ऑल राइट. और
ये महान तरीके का चलना है। हम लोग महान तरीके से चल कर जाने का रैप्चर में, वैसे रैप्चर में भी वैसे समुद्र में चलना, रैप्चर में जाना एक ही हिसाब है, क्योंकि सब उतना महान अनॉइंटिंग आने से हम रैप्चर में भी जा सकता है, खाली समुद्र में नहीं, रैप्चर में भी हम जा सकता है। वैस ऑल राइट, हाँ मुर्दा को उठने से भी चार दिन के बाद, हाँ और ये बहुत बढ़िया है। ऑल राइट, ऑल राइट, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, क्यों ये ऐसा हो गया, क्योंकि इनको मालूम था रेजरेक्शन सील है, वो रेजरेक्शन का पुनर्थान कम हो रहा है, पुनर्थान वोस इसको मालूम था उसका पुनर्थान का जो सामर्थ्य इसके अंदर है करके, वोस पुनर्थान का सामर्थ्य। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। ऑल राइट, इधर देखिए यीशु मसीह क्या इधर करता है। जीसस ट्राइंग टू शो द ब्राइड देयर इन दैट शिप बाय वॉकिंग ऑन द वाटर, बाय वॉकिंग ऑन द वाटर ही वाज ट्राइंग टू गेट समथिंग। आमेन। इसका मतलब क्या है, वो क्यों पानी में चल के वो दुल्हन जो नाव के अंदर जो दुल्हन था उनका पास क्यों आता है, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, वो उतना वोस रिवील्ड वर्ड है वो, वोस He wants done on the, क्योंकि वो जो भी पृथ्वी में किया अभी वो मेरा प्यार वो लोग को प्रकटित करता है। वोस हिमसेल्फ इन द वर्ड ऑफ गॉड, वी गॉट टू लुक इन द बाइबल। ऑल राइट, अभी यहाँ पर देखिए, देर विल बी सम मैन ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी में कोई ना कोई मनुष्य होएगा, somebody in the bride of Christ, कोई ना कोई दुल्हन का मसीह के अंदर होएगा, will have such a divine revelation of God, उसका पास ऐसी प्रकाशन होना चाहिए वयस वचन के बारे में, वयस और वचन उनके अंदर होना चाहिए, और filled with the Holy Ghost, पवित्रात्मा से भरना चाहिए, and there is such a faith, और वैसी विश्वास होना चाहिए, और वो कब्र में जाके मुर्दा को बुलाएगा। Praise be the name of the Lord. Unquote. मेरा प्यारा भाई बहनों, जो सेवकाई आज हम देखता है, जो अभिषेक को आज हम महसूस करते हैं, बोलेंगे तो अनुभव करता है, हमको पूरा नहीं मिला, हम अनुभव करता है, वो अभिषेक वो एनाउंटिंग अनुभव हमको होता है। हाँ, वैसे हमारे डिप्रेशन ऑपरेशन को पूरा निकलता है वो, हमको एक तरीके का अनुभव होता है, ऐसी अभिषेक का अनुभव, ऐसी तरीका का एनॉइंटिंग हम महसूस करते हैं। वोस और एक दिन मेरा प्यारा भाई बहनों, हम लोग उस विश्वास ऐसी विश्वास को पाएगा, हम कब्र में जाके मुर्दा को बुलाएगा। वोस ऑल राइट, ऑल राइट, वैसे हम खाली देखता है अन्य भाषा बात करना और ये चंगाई कर, ये सब कुछ भी नहीं है, इससे भी बढ़िया बात होने वाला है, ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या बोला वचन में, जो काम मैंने करता है, जो काम मैंने किया, क्या काम है, पानी में चलना काम है, मुर्दा को उठाना काम है, ये सब तुम लोग उससे भी बढ़िया काम करेगा। क्या नहीं, उससे भी अगर उससे भी बढ़िया बोलेगा मेरा प्यारा भाई बहनों, अगर उससे भी बढ़िया काम को हम बोलेगा, मैंने बोलना चाहते एक मुर्दा नहीं, बहुत मुर्दा को हम उठाएंगे, बहुत मुर्दा को हम लोग जिंदा करेंगे। वोस ये वोस खाली अन्य भाषा बात करना, वो करना ये करना नहीं है, मगर उससे भी बढ़िया कामों को हम लोग करेगा। ऑल राइट, क्योंकि वो पूरा तरीका का प्रकटित हुआ वचन है, इसके सैल्वेशन है उसके अंदर। वोस ये सैल्वेशन का सेवकाई, रिडेम्पशन छुटकारा का सेवकाई, फुल बॉडी रिवील्ड वर्ड है, पूरा तरीका का प्रकटित हुआ वचन है। वोस ओ बायलामट बोलते हियर मी चिल्ड्रन, बच्चे लोग सुनो, एंड बिफोर दिस ब्राइड कैन बी रिडीम्ड, ये दुल्हन छुटकारा पाने के पहले वोस वैसा पूरा तरीका का वचन का शरीर होना चाहिए। वोस कैन यू से आमेन, ये दुल्हन छुटकारा पाने के पहले पूरा तरीका का वचन का शरीर होना चाहिए। वोस ऑल राइट,
और हम बोल सकते हैं लिफ्ट अप योर हेड, आपका सर को ऊंचा करो, आपका छुटकारा नजदीक आ जाएगा। वो यस, अगर हम लोग देखते हैं ओपनिंग ऑफ द सेवन सील्स, वाह, मोहरा खुलासा होने से। वो यस, ब्रदर ब्रैनम ने बोला, वो यस, मैंने जैसा भी बताया, ओपनिंग ऑफ द सील्स, ओपनिंग ऑफ द सील्स, मोहरा खुलासा होने से। भाई ब्रैनम क्या बोला, फुल वर्ल्ड बॉडी, फुल वर्ल्ड रिवील्ड वर्ल्ड बॉडी। वो यस, कौन है वो ब्राइडग्रूम, दूल्हा इस पृथ्वी में खड़ा है। वो यस, इस पृथ्वी में वो खड़ा है। वो यस, अभी हम लोग सोचेंगे, वो यस, ये सब वादा होने वाला है। वो यस, और मेरा प्यारा भाई बहन, चार चार दिन में मरा हुआ शरीर को प्रभु यीशु मसीह ने कभी उठाया? ये 2000 सालों से जो फटा हुआ मुर्दे को, फटा हुआ कब्र में फटा हुआ मृतक को हम लोग उठाएंगे। ये महान सेवकाई, कैन यू से मैन? ओएस, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। ऑल राइट, द लिटिल ब्राइड इज प्रॉमिस्ड ए रिडीमर, छोटा दुल्हन को छुटकारे का बारे में वादा किया गया। ओएस, वो क्या है वो सेकंड कमिंग, उनका दूसरा आगमन, बराबर सुनो, उनका दूसरा आगमन, सेवंथ सील जो है दूसरा आगमन है। ओएस, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। सातवा मोहरा जो है दूसरा आगमन है। ओएस, वो क्यों आता है? सातवा मोहरा क्यों खुलासा हो गया? सातवा मोहरा क्यों ओपनिंग हो गया? सातवा मोहरा क्यों रेवलेशन आ गया? क्योंकि छोटा दुल्हन को छुटकारा करने के लिए। ओएस, कैसा वो छुटकारा करेगा? हाउ इज गोइंग टू ब्रिंग हर बैक? ओएस, कंप्लीट रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड, पूरा तरीका का, पूरा तरीका का ओएस प्रकटित हुआ वचन है। ओएस, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, कैन यू से आमेन? ये जबरदस्त बात है मेरे प्यारे भाई बहन। ऑलराइट, सेवंथ सील जो है, सातवां दिन में हमको कुछ भी नहीं मिला, बराबर सुनो, सातवां दिन में हमको कुछ भी नहीं मिला, सेवंथ डे, मगर सारा चर्चस को हम देखता है, सातवां दिन में हम लोग देखता है, सात कलिशय के युग को देखता है, मगर आठवां दिन, ऑल राइट, आठवां दिन में क्या हो गया? आठवां दिन में एक काली, अन्य भाषा बात करना, भविष्यवाणी बोलना बात नहीं है, काली क्या बोलते हैं, अस्पताल सब काली, मगर क्या हो गया आठवां दिन में? परमेश्वर पूरा उतर क्या गया? प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओएस, हाँ, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, पूरा परमेश्वर। और ये टोकन का समय है, ये टोकन मिलने वाला समय, क्योंकि पूरा छुटकारा बोलेगा तो टोकन हमको मिलना। ओएस, प्रभु का नाम को धन्यवाद। इधर सुनिए, ये जबरदस्त बात है, परमेश्वर का नाम को धन्यवाद। माय गॉड, हालेलुया। ओएस, देखिए मेरे प्यार बबैर बेनो, ऑल राइट, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हाँ, अभी हम लोग देखते हैं ये सब अभी हो रहा है मेरा प्यार बैर बेनो, ये अभिषेक और ऐसी तरीका का ये चीज और ऐसी तरीका का ये महान बात, रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड, प्रकट वचन हम देखता है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। हाँ, और मेरा प्यार बैर बेनो, ये जबरदस्त चीज है। ओएस, ऑल राइट, अभी इधर देखिए, इधर मैं आखिरी में एक बात बोलना चाहता है। ओएस, किधर भी, नोवेयर रिकॉर्डेड, किधर भी ये ऐसा नहीं है पानी में चलने वाला हम देखेंगे नहीं। ओएस, हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। और अभी देखो, अभी प्रभु यीशु मसीह पानी में चल के आ गया, प्रभु यीशु मसीह पानी में चल के आ गया, अभी नाव जा रहा है फेलोशिप, अभी फेलोशिप का अंदर से वैसे पीटर आ गया और वो पानी में चलने को शुरू किया। वैसे हाँ, पीटर को कुछ प्रकाशन मिला, माय गॉड, पीटर को कुछ प्रकाशन मिला, अभी पीटर खुद आके पानी में चलने को शुरू किया। ऑल राइट, और क्या हो गया? हाँ, पीटर क्या सोचा, ये मनुष्य नहीं है, ये प्रभु है। वैसे हाँ, ऐसा प्रे पीटर सोचा, दिस इज मोर देन ए मैन, ये मनुष्य भी बढ़िया है, ऐसा हमको होना चाहिए, दिस इज मोर देन ए मैन।
ये मनुष्य भी बढ़िया है, क्या ये मनुष्य बढ़िया एनॉइंटिंग, ये अभिषेक क्राइस्ट मनुष्य भी बढ़िया है। पीटर किसको देखा अभी? मनुष्य भी बढ़िया चीजों को देखा। मैं और आप इस रात को क्या देख रहे हैं? मनुष्य भी बढ़िया। आप लोग खाली मनुष्य को देखते हो, शपट शपट शपट, ब्रूस ब्रूस ब्रूस, डॉक्टर ब्रूस डॉक्टर ब्रूस, ये सब बकवास है, ये सब बकवास है, ये सब नौटंकी के खेले। मनुष्य भी बढ़िया हम देखना चाहिए। How many agree with me this night? Glory, glory. कितना लोग उस बात के लिए मेरे साथ खड़े हो? मनुष्य भी बढ़िया देखा। अभी पीटर इधर, मनुष्य भी बढ़िया देखा। ओएस ओएस मोर देन ए मैन ओएस, क्योंकि वो सोचा हम अभी तक हम लोग पृथ्वी में चलने वाले देखा, बट अभी अभी वो पानी में चल के आता है, ये अलग है, ये मनुष्य भी बढ़िया है। आपको मालूम है सातों मोरा मनुष्य भी बढ़िया है, सातों मोरा मनुष्य भी बढ़िया है, मनुष्य नहीं है वयस। और नाउ परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। अभी जितना भी प्रवाह, जितना भी तूफान ऊंचा आने दो, जितना भी प्रवाह वो तूफान आने दो। ऑल राइट, अभी इधर देखो, वो क्या हो गया? वो उनको बुलाया, यीशु मसीह को बोट के अंदर बुलाया। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। पानी भी, बट नाउ यू नो व्हाट इज हैपनिंग, वेलकम। उनको आमंत्रण दिया बोट के अंदर आने के लिए, उनको आमंत्रण किया। अभी वो क्या किया? वो भी पानी में उतरा, पत्रस भी पानी में उतरा, वो उतरा, थोड़ा चला वो, और रेवलेशन में थोड़ा चला, ज्यादा चले और डूबने को शुरू हो, क्योंकि वो क्या हो गया? मेरा प्यारा बहनों, थोड़ा चलने को ताकत मिला, क्योंकि उसको पूरा ताकत नहीं मिला, पूरा अभिषेक को नहीं पाया, मगर जो मिला है उसमें चला। वो थोड़ा देर के बाद डूबने को, मगर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, उनको प्रभु ने उठाया, प्रभु ने उसको साथ दिया। आमेन। यही स्थिति आज हमारा भी है, हम कभी कभी डूबने को शुरू हो गए, मगर प्रभु हमको उठाएगा। और पीटर को प्रभु उठाया और नाव के अंदर आ गया। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओएस नाव के अंदर आ गया, प्रभु यीशु मसीह को नाव के अंदर बुलाया, प्रभु यीशु मसीह को नाव के अंदर बुलाया, वो लोग वो नाव के अंदर आ गया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, कभी वो नाव के अंदर आ गया। ओएस प्रभु को धन्यवाद है। ओएस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, वो नाव के अंदर आ गया। और बाइबल में कहता है वो सही बाद में वो लोग पृथ्वी में लैंड शोर किनारा में आके पहुंचा। ओ यस, किनारा में आके पहुंचा। प्रभु के नाम को धन्यवाद है। कब तक वो नाव के अंदर नहीं आएगा, हम किनारा पहुंच नहीं सकता है, मगर कभी पीटर भी थोड़ा चला, पीटर को भी थोड़ा मालूम पड़ गया ये रेवलेशन। पीटर क्या सोचा? ये बहुत बढ़िया रेवलेशन है, ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य भी बढ़कर है। मेरे को और आपको भी वही महसूस होना चाहिए, ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य भी बढ़कर है। वयस, और कभी मेरे को और आपको ऐसी महसूस होता है, ये मनुष्य भी बढ़कर है, ये मनुष्य नहीं है, मेरा प्यारा भाई बहनों। और हम लोग डूबेंगे तो भी प्रभु हमको बचाता है। How many say amen? प्रभु हमको बचाता है। पीटर डूबा, थोड़ा उसको हो गया, वो थोड़ा तक चला, वो ज्यादा चलने को नहीं होगी, क्योंकि अभी यीशु मसीह आनंद आने के लिए वो लोग आमंत्रण किया, आ जाओ करके, हमारे नाव के अंदर आ जाओ। ये बढ़िया बात है, हम किसी को आमंत्रण नहीं देना, हम वो अभिषेक को आमंत्रण करना, हम वो मसीह को आमंत्रण करना, हम प्रभु को आमंत्रण करना। तभी प्रभु उसका नाव के अंदर आ गया। मेरा प्यारा भाई बहनों, सही में वो लोग किनारा पहुंचा। जो किनारा जो है आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, जो किनारा जो है टोकन, जो किनारा जो है हेडस्टोन, जो किनारा जो है कैपस्टोन। प्रभु के नाम को धन्यवाद है। मेरा प्यारा भाई बहनों, कब तक हम किनारा नहीं पहुंचेगा, हमारा नाव किधर भी जा सकता है, मगर प्रभु के नाम को धन्यवाद है। हमको प्रभु ने इस रात को ये महान रेवलेशन को दे दिया, ये महान प्रकाशन को दे दिया, ये महान फुल रेवलेशन को दे दिया। हम खुशी में है। वैसे कोई भी ऑनलाइन को सुनता है और यूट्यूब को देखता है, और बाद में आप लोग यूट्यूब भी देखना, क्योंकि यूट्यूब में आपको और भी स्पष्ट रूप से आपको मालूम पड़े। आए आप लोग सब उठिए, हम प्रार्थना करेंगे।
स्वर्गीय पिताजी आपको धन्यवाद दें, ये महान रेवलेशन के लिए, महान बात के लिए आपको धन्यवाद दें। प्रभु इस रात को आपने हमारा आंखों को खुलासा कर दिया, होने दे आपको महिमा, आपका गौरव। धन्यवाद है प्रभु, इन बातों से हमको मालूम पड़ा आप हमको सही में चलाता है, सही में आपने हमको रखा है। हम भी आपको आज आमंत्रण करता है, आप हमारा नौखंड राना, हमको सही किनारा तक पहुंचाना प्रभु, हमको किनारा पहुंचने का है परमेश्वर। हमारा किनारा जो है टोकन है, हमारा किनारा जो है आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट है। धन्यवाद है प्रभु ये महान बात के लिए, ये महान रेवलेशन के लिए, होने दे आपका महिमा, आपका गौरव। यीशु मसीह के नाम से सुना और कबूल करना, आमीन। अभी गाना हो जाएगा। सुना प्रभु आप लोग को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। ये सभा खत्म हो गया। गॉड ब्लेस यू।